तुम्हारे चक्कर में नहीं हो, चलो ना, कहाँ वो लेटर, दो वो लेटर, चलो तुम लोग चलो चलो उनको घुमाओ, भ्रमित करो उन्हें, सारी चीजें हैं मेरे पास, सब कुछ है, सब लिखित में है, मैं सबके खिलाफ जाऊंगा कोर्ट में। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, यहां छात्र संघ चुनाव में परचम लहराकर एमबीबीजी कॉलेज का इतिहास रचकर छात्र संघ अध्यक्ष बनी रश्मि लमगड़िया ने एबीवीपी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। जी हां, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एमबीबीजी कॉलेज परिसर में अधिवेशन कराए जाने को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया भारी विरोध कर रही है। विरोध प्रदर्शन करते हुए वे कॉलेज की छत पर चढ़ गई। इसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। मौके पर कॉलेज व पुलिस प्रशासन मौजूद रहा और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की गई। दरअसल रश्मि लमगड़िया समेत छात्र संघ ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए कॉलेज प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनका कहना है, कॉलेज में किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम किसी संगठन का नहीं होना चाहिए, इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में प्रभाव पड़ता है, लेकिन एबीवीपी का कार्यक्रम किया जा रहा है। पिछले दिनों छात्र संघ ने प्राचार्य के ऑफिस के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया और आज रश्मि लमगड़िया कॉलेज के लाल बहादुर शास्त्री बहुउद्देशीय भवन के छत पर जा चढ़ी, जिससे पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और उन्हें नीचे उतारने की लगातार अपील की जा रही थी। दिनों से प्रकरण लगातार चल रहा था, जिसमें छात्र संघ एक कार्यक्रम को लेकर लगातार विरोध कर रहा था। पूरी की पूरी छात्र संघ इस पर विरोध पर थी, जिस पर महाविद्यालय ने एक लिखित में एक दे दिया गया था, सूचना दे दी महाविद्यालय ने, जो जिन्होंने कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी उन्हें एक लिखित में सूचना दे दी गई थी कि भैया आपका ये कार्यक्रम महाविद्यालय के भीतर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इसमें प्रतीत होता है कि संगठन का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, यदि आप संगठन का कार्यक्रम नहीं भी कर रहे हैं, आप अगर कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं तो उस पर यदि छात्र संघ आपत्ति करता है तो ये कार्यक्रम तब भी संभव नहीं है। ये कॉलेज के द्वारा लिखित में दिया गया था, उसमें कॉलेज ने साफ साफ लिखा था कि सारे पदाधिकारियों की सहमति हस्ताक्षर के बिना ये कार्यक्रम नहीं होगा। ये बात थी आज दिनांक तक की, और देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि कल चुनाव, कल वो कार्यक्रम होना है और कल कार्यक्रम होना है, उसके बाद आज दोबारा पुनः एक मीटिंग होती है और उसमें तय कर दिया जाता है कि सीधे सीधे कि भैया ये कार्यक्रम होना है। तो ये पूरी तरह से छात्रों को, छात्र संघ के सारे पदाधिकारियों को गुमराह करने के लिए जो इतने दिन घुमाया गया, आज ये आवेश में आकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिसका हम भी कह रहे हैं कि विरोध करने का इनका हक है, पर इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से नीचे उतर जाए। कितने देर से हो गए, ये कोई रणनीति के तहत चली थी? रणनीति के तहत होता तो इसका भी जिम्मेदार कॉलेज होगा, या चाहे कोई भी चीज़ है ना, इसका जिम्मेदार पूरी तरह से कॉलेज प्रशासन है, क्योंकि जब कॉलेज प्रशासन ने साफ साफ लिख के दे दिया। देखिए, रणनीति तब बनाते हैं ना जब कॉलेज ये पहले से घुमरा करता, घुमाता कि नहीं दे पाएंगे, हो पाएगा, कन्फ्यूजन में रखता। कॉलेज ने तो क्लियर पहले ही कर दिया कि कार्यक्रम हो ही नहीं सकता है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, दोनों सूरतें बता दी उन्होंने। उसके बाद आज ये करना, ये प्री प्लान कहाँ से हो सकता है? कोई महाविद्यालय ये कर रहा है, कोई पहले से जानकारी थी किसी को? पिछले 4-5 दिनों से छात्र संघ के सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलेज के अंदर किसी पार्टी विशेष का कोई कार्यक्रम की अनुमति आज तक नहीं दी गई है। और कहीं ना कार्यक्रम होना है, ये कार्यक्रम एवीपी का जिला सम्मेलन का कार्यक्रम था, जिसको भ्रमित किया जा रहा था कॉलेज प्रशासन द्वारा। कॉलेज प्रशासन द्वारा कहा जा रहा था कि हमने उसको कोई अनुमति नहीं दी गई। फिर 30 तारीख को एक लेटर इशू करा जाता है कॉलेज प्रशासन द्वारा, वो उस लेटर में साफ साफ लिखा जाता है कि अगर छात्र संघ के कोई भी पदाधिकारी इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे तो कॉलेज इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं देगा। और आज सडनली जब ये कार्यक्रम कल जब ये इतना तूल पड़ चुका है, तो आज सडनली कॉलेज प्रशासन किसी के दबाव में, सरकार के दबाव में आके ये कार्यक्रम कराने की अनुमति देता है, जबकि इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है। वो लेटर कहीं ना कहीं हम पे कॉपी भी पड़ी उसकी, मैं वो आप लोग को लेटर भी दिखा दूंगा, उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर छात्र संघ के कोई भी पदाधिकारी इस कार्यक्रम का अगर वो करते हैं, विरोध करते हैं, तो वो कार्यक्रम नहीं हुआ। अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि कार्यक्रम का भरपूर विरोध हो, क्योंकि छात्र संघ के सभी पदाधिकारी वहाँ पे चढ़े हुए हैं, और अगर इसमें किसी को भी होते तो कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार होगा। सबसे पहले हम सभी को समझना होगा, विद्यार्थी परिषद कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पर राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। और आपको सभी को पता होगा कि हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह है, जिस तरीके से वो छत में चढ़े, अगर हमारा कार्यक्रम नहीं होगा हमारे पास परमिशन होने के बाद, तो दूसरी छत में हम भी चढ़ेंगे, हम भी आत्मदाह का प्रयास करेंगे, जबकि हमारे पास तो ऑलरेडी परमिशन पड़ी है, प्राचार्य की परमिशन हमारे पास पड़ी है। तो ये देखो, ये जो भी उनको सलाह दे रहा है, ये बहुत गलत सलाह दे रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सभी को सहयोग होना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि ऐसा कौन सा नियम है कि छात्र संघ पदाधिकारी तय करेंगे कि कॉलेज देना है कि नहीं देना है? क्योंकि छात्र संघ कॉलेज के अंदर तो प्राचार्य का हक होता है, और प्राचार्य ने हमको परमिशन दे रखी है, हमने पूरी तैयारियां कर रखी है, अगर हमको ऐसा होता तो पहले ही मना कर देते हैं।